उत्तर प्रदेश में इस सप्ताह कई जिलों में बारिश हुई। बारिश के कारण भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है। वहीं दूसरी ओर शहरों में तेज बारिश के बाद जल जमाव की समस्या ने लोगों और आम जनजीवन को खासतौर पर प्रभावित किया है। वाराणसी में भी बुधवार को बारिश के बाद जल जमाव को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने वर्तमान सरकार पर निशाना साधा है। सपा प्रमुख ने बारिश के बाद जल जमाव का एक वीडियो साझा किया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क पर काफी पानी जमा हुआ है। उन्होंने ये वीडियो अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा किया है। उन्होंने लिखा, बारिश ने आते ही भाजपा ही विकास का सच दिखा दिया। काशी को क्योटो बनाने चले थे लेकिन वेनिस बना दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि बारिश के बाद सड़क पर पानी लगा है और गाड़ियों को आने जाने में परेशानी हो रही है। दरअसल वाराणसी में बीते कुछ दिनों से भीषण गर्मी पड़ रही थी, लेकिन बुधवार को भीषण गर्मी से राहत मिली और यहाँ अच्छी बारिश हुई। बारिश के बाद कई जगहों पर सड़कों पर जल जमाव हो गया। जल जमाव का कुछ वीडियो भी सामने आया है। इसका एक वीडियो सपा प्रमुख ने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है। आपको बता दें कि यूपी में शुक्रवार को भी कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। आईएमडी ने बारिश की संभावना को देखते हुए 21 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग की माने तो इन जिलों में बारिश के साथ ही तेज हवा चलने और वज्रपात होने की संभावना है। हालांकि बारिश होने के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। तापमान में 2 से 4 डिग्री तक की कमी आई है। तो दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया। नमस्कार। गुरु फतेह। आदाब। नमो बुद्धा।